माफ करना, मैं ऐसे ही निकल के आ गया। कोई बात नहीं, खैर है मेरी, मुझे छोड़ो। सुनो मेरी बात गौर से सुनो, मर्द को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। वक्त ही गुस्सा है उसका, आकर खुद माफी मांग लेगा तुमसे। ये उसकी तरफ से पहला बार है, लेकिन आखिरी नहीं होगा। करीम वो दोस्त है तुम्हारा, एक साथ इतना कुछ किया है तुम लोगों ने, ऐसे कैसे खत्म कर लोगे? जब दोस्त साथ हो तो हिफाजत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो मेरे भाई ने ही मुझे जख्म दे दिया। जानसो तो फिर बात करो ना मर्द से, उसकी बातें मत सुनो इतनी ज्यादा। जब उसके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए थे तो वो सबसे पहले मेरे पास आया था, तब वो सिर्फ 5 साल का था। आकर मुझसे कहने लगा कि अब मैं अकेला रह गया हूं, अब मेरा होगा क्या। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे होते हुए अकेले रह जाओ, और उसे हौसला दिया। तुम्हें मैं जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम जानती हो कि मैंने दिल से उसे अपना भाई माना है और उसके खानदान का भी मकरूज हूं मैं। कब खत्म होगा वो कर्ज तुम पर से? हो जाएगा सब कुछ खत्म, वो काम सीख ले फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरी जिंदगी में तुम जैसे मासूम लोग रह जाएंगे। जानसो उस दुनिया से मेरा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखो मैंने अपनी बातों से तुम्हें भी परेशान कर दिया। हाँ तुम कुछ बताने वाली थी। जाने तो यार, वैसे ही आज इतना कुछ हो गया है कि फिर कभी बता दूंगी, इस बात को बाद में कर लेंगे हम। तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो फिर ऐसा करते हैं कि साथ ही चलते हैं। फिक्र मत करो तुम, और वैसे भी मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो झगड़े वाले जमाने गया। लेकिन मैं फिर भी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। ठीक है आ जाओ चलो। खींचो खींचो, ऐसे भी खींचो। बैठ कर भी क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर मैथ नई जिंदगी की आदत डाल रहे हैं। लगता है तुम्हें भी यहां की आदत नहीं है। वैसे भी थोड़ा वक्त रह गया है, बर्दाश्त कर लो। सर करीम से इंटरव्यू चाहते थे, सहाफी आ गए हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने ये स्क्रिप्ट भेजा है। तुमने देखा है क्या? नहीं, करीम सर ने कहा कि मैं दूंगा इंटरव्यू, मुझे बहुत हैरानी हुई। कोई बात नहीं, मैंने कहा था उनसे। थैंक यू। कामयाब कारोबारी इंसान मैथ चालान के 3 सुनहरी उसूल। बेवफा रहो, किसी से पार्टनरशिप मत करो, और किसी पर यकीन ना करो।